अभी तक मैंने हेलमेट निकाला नहीं, क्योंकि और भी दो एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया था कायाकिंग है और पैडल बोट है। तो ये वीडियो में मैं आपको कायाकिंग का एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। प्रवीण भाई है, हम करेंगे दोनों। ये जो भाई है अपना कपिल भाई है, कपिल देव या कपिल, हाँ कपिल भाई है। तो ये हमको पूरा अच्छा से स्टक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा जो फ्लाई बोर्डिंग का एक्सपीरियंस गजब रहा है। प्रवीण भाई ने भी बहुत अच्छा किया है और मेरा भी आप लोगों ने देख लिया है। तो चलते हैं कायाकिंग के लिए, वहाँ पे दूसरा भाई जो हमारा बोट रेडी कर रहे हैं, तो कायाकिंग करते हैं और कायाकिंग का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? चलिए। यस, तो हमारा बोट अभी निकल गया है, प्रवीण भाई बैठ गया, अभी चलते हैं। पहला हम कायाकिंग करेंगे और उसके बाद पैडल बोट है, तो पहले कायाकिंग का मजा लेते हैं और आगे हम पैडल बोट करेंगे, जिसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यस, ये है कायाक का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो। ये जो एक्टिविटी होता है ये चपोरा रिवर में हो रहा है। आप अगर मोरजिम जाते वक्त रास्ते में ये रिवर मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्लाई बोर्ड का ऑप्शन है, कायाकिंग का ऑप्शन है, जैसे कि पैडल बोर्ड वगैरह दिखाया, बोट ट्रिप भी जाता है, हाउस बोट भी यहाँ पे है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। इसका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, अलग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा टाइम जो करने का कायाक, ये सनसेट के टाइम पे करें, आपको सनसेट व्यू के साथ एंजॉय करोगे। ये देखिए कायाकिंग का जो ऑप्शन है आपको बीच साइड में भी मिलता है, अरम्बोल बीच में होता है, बहुत सारे बीच साइड में आपको कायाकिंग का ऑप्शन मिलेगा, पर अलग प्लेस में अलग एक्सपीरियंस और उसके साथ प्राइस भी है दोस्तों, इनका अलग रहता है, 200 से लेके 400 500 रुपये तक वो लोग चार्ज करते हैं, डिपेंड प्लेस के ऊपर डिपेंड होता है, कितना ज़्यादा टूरिस्ट रहते हैं उस पर वो लोग चार्ज करते हैं। और अलग प्लेस का अलग एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे कि आप अगर अरम्बोल बीच साइड में कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वेव थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रस्सी वगैरह नहीं रहता है, आप आराम से जाके कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये रिवर में एक जो डिसएडवांटेज है ये है फ्लोइंग वाटर है, पानी बहता पानी है, इसमें क्या हो जाएगा, ये लोग आपको फ्रीली बोट को नहीं छोड़ते, आपका जो कायाक बोट है उसमें एक रस्सी रहेगा, 25 से 30 मीटर का रस्सी रहता है, उसके जरिए आप उतना एरिया में जाके घूम के आ सकते हो और काफ़ी दूर तक जा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी दूर तक आप बोट लेके जा सकते हो। रस्सी इसलिए लोग नहीं छोड़ते हैं क्योंकि अगर रस्सी छोड़ दिया तो आप, हो सकता है आपका बोट जो है ना पानी के बहाव में दूर चला जाएगा और आपको रिटर्न आने के लिए प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए लोग रस्सी बांध के आपको कुछ एरिया तक आपको कायाक करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलता है यहाँ पे, फ्लाई बोर्डिंग का ऑप्शन है, कायाकिंग जैसे कि हम कर रहे हैं अभी कायाकिंग, और आपको हाउस बोट दिखाया और उसके साथ पैडल बोट का भी ऑप्शन है जो आगे हम करने वाले हैं। तो ये है, मज़ा आया कायाकिंग का, मज़ा अच्छा था, इवनिंग के टाइम में और मज़ा आता मेरे ख्याल से, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। थैंक यू ब्रो। लेट जाओ, ओके। तो ये था हमारा कायाकिंग वाली एक्सपीरियंस। प्रवीण भाई कैसा था? मेरा तो वर्कआउट हो गया जी। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा पैडल बोर्ड ना, बस चलो। तो अभी हम करने वाले हैं पैडल बोर्ड, जो कि प्रवीण भाई पहले कर रहा है। इसको भी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रस्सी से बांधा जाएगा क्योंकि फ्लोइंग वाटर है, इसके लिए आपको रस्सी रहेगा, इसके जरिए आप जो इनका लिमिट है 20-30 मीटर तक आप आराम से ये बोट लेके जा सकते हो। तो ये है, ये जैसे कि आप देख रहे हो प्रवीण भाई कर रहा है पैडल बोट। ये जो एक्टिविटी है दोस्तों, जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़ा बच्चों टाइप एक्टिविटी लग रहा है, क्योंकि इतना मज़ा नहीं है ये एक्टिविटी में, और ऊपर से आपका बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो फ्लोइंग वाटर है, सेकंड में इसमें रस्सी बांधा है, तो आप जहाँ जाना चाहोगे कहीं ना कहीं रस्सी आपको खींच रहा है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा,
बच्चों के टाइप ये बोट है, ठीक है, पर ये भी एक्सपीरियंस ले सकते हो क्योंकि आपका अगर फ्लाई बोर्डिंग के साथ ये अगर इंक्लूड रहेगा तो ये आपको बिल्कुल ऑप्शंस है एक्टिविटी करने के लिए, ऑप्शंस है। बाकी ये तीन एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे दोस्तों हाउस बोट का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने एक हाउस बोट रुका है, इसका भी ऑप्शन है और यहाँ पे एक लाइव हाउस बोट आ रहा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, ये हाउस बोट का ऑप्शन है, सामने जो आपको दिख रहा है ये लाइव हाउस बोट है, क्लाइंट है इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाउस बोट का ऑप्शंस कहाँ पे मिलता है, कौन से रिवर में हाउस बोट हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये केरला टाइप आप देख रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर सा आर्किटेक्चर, ये बोट देख सकते हो, ये पूरा बोट आप हायर कर सकते हो आपको अगर कुछ पार्टी वगैरह करना है या फिर फैमिली में केरला टाइप का आपको अगर एंजॉयमेंट चाहिए तो ये रिवर में, चपोरा रिवर में ये ऑप्शन भी आपके पास है हाउस बोट का, इसका भी आप मजा ले सकते हो। तो ऑल इन वन हो जाएगा आपका गोवा ट्रिप और प्लस केरला वाला एंजॉयमेंट भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्काई बोर्डिंग हो रहा है, या लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो और एक हाउस बोट का बोट जो है ये यहाँ पे रुका है। तो ये रिवर में आपको हाउस बोट का भी ऑप्शन मिलता है, बहुत सुंदर व्यू है चारों तरफ आपको पूरा, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ग्रीनरी है और ये रिवर बहुत अंदर तक गया है, ये बोट जो है पूरा अंदर तक लेके जाते हैं, पूरा फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलता है, आगे बर्ड सेंचुरी टाइप कुछ देखने को मिलेगा। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास है, आप अगर हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सारे एक्टिविटी आपको अगर बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, जाके चेकआउट करें और अपना सारे एक्टिविटीज आप बुक कर सकते हो, हाउस बोट का भी ऑप्शन है। तो चलते हैं, हमारा एक्टिविटी तो ख़त्म हो गया, अभी घर जाएंगे, चलो।